सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं लली एलआर ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आपके सामने कुछ सामने नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है, हुमायूं का मकबरा। सो चलते हैं हुमायूं का मकबरा की तरफ। अभी मैं एंटर कर चुकी हूँ और यहाँ पे टोकन लगता है 40 रुपीज़ का, एंड उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ मकबरे की तरफ। सो गाइस, ये लोकेशन है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। और सो गाइस, ये लोकेशन है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। हर तरफ हरियाली हरियाली है। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। तो यहाँ अंदर आपको फील नहीं होगा कि आप दिल्ली में हैं, बहुत ही सुंदर है। ये है सेकंड एंट्री, और फर्स्ट एंट्री हम लोग क्रॉस कर गए, लेकिन मैं कुछ कारणों के वजह से आपको नहीं दिखा सकी। तो देख सकते हैं, देखिए कितना पुराना है, लेकिन देखने में काफी सुंदर है। देखिए यहाँ पे ये आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि कैसा लोकेशन है, कौन सी जगह कहाँ पे है, क्योंकि पूरी तरह से आपको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना जगह में यह फैला हुआ है। ये रहा हुमायूं का मकबरा। अब हम मकबरे की तरफ जा रहे हैं और ये यहाँ पे छोटा सा आपको फुव्वारा देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप लोकेशन देख ही सकते हो कि कितना अच्छा है। तो हम हुमायूं के मकबरे की ओर जा रहे हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा है। देखने में ये बहुत पुराना है, लेकिन काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया गया है ये मकबरे को। सो गाइस, ये है मकबरा। तो गाइस देखिए कितनी खूबसूरत है, और धूप में कितना अच्छा इसका चमक आ रहा है। और आप देख सकते हैं कितना दूर तक ये फैला हुआ है और काफ़ी सुंदर है।
सो गाइस, अभी मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है। सो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको दिल्ली में कौन सा जगह घूमना है या कौन से ऐसे जगह है जो घूमने लायक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं जिससे मैं आपको वो जगह दिखा सकूं। सो चलिए अंदर की तरफ। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर एक चीज़ दिखा सकूं। अगर मेरे पास समय रहा तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मकबरा जो है वो मेन है, और जो बाकी मकबरे इधर भी और बहुत सारे मकबरे हैं, सो देख सकते हैं। वैसे गाइस, मैं अकेले में तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोशिश करूँगी सारे दिखाने की। और उसके बीच में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो मकबरा है, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी के मकबरे के ऊपर चढ़ें। सो मैं आपको साइड साइड में दिखा सकती हूँ, तो देख सकते हैं इसका काम कितना सुंदर ढंग से किया गया है। सो गाइस, ये देखिए, अब मैं बाहर की ओर आ गई हूँ क्योंकि मैं अंदर का सारा दिखा चुकी हूँ कि कितना है। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और एक छोटा सा मकबरा जो वो साइड में है, तो मैं वहाँ तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ऊपर से दिखा सकती हूँ कि उस तरफ एक मकबरा है। और यहाँ से जो सामने आप देख रहे हैं, वहाँ से सीढ़ी जाती है, आप नीचे जा सकते हैं। और ठीक उसके सामने भी एक सीढ़ी है जहाँ से आप नीचे जाकर नीचे का व्यू देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है।